तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। तो गाइज लास्ट टाइम अपना फेस वन था वो कंप्लीट हो गया था और सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। तो गाइज आज मैंने मतलब थोड़े दिन पहले मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी है क्योंकि यहाँ से अगर हमें गिरने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो हमने यहाँ पर बाउंड्री बना ली और साथ में थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा कर दिया। और गाइज न्यू बात ये है कि अपना आयरन है वो अनलॉक हो गया। अभी अपने पास देखो आयरन आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो आयरन आ गया। और गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई एंड 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो भाई जल्दी से, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब। तो गाइज अभी हम आयरन को माइन करते हैं जिससे हमारे और न्यू न्यू टूल्स बनेंगे। अभी देखो अपना स्टोन तो अनलॉक हो गया है और हम अपने पास भी स्टोन आ गया है। तो जैसे अभी हमें अभी स्टोन की पिकेक चाहिए होगी भाई, मैं भूल गया क्योंकि आयरन सिर्फ स्टोन की पिकेक से माइन करेंगे तो ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर अपने पास स्टोन है क्या, ये रहा पे। तो यहाँ से अभी हम बना लेते हैं कई स्टोन पिकेक्स जिससे हम आयरन माइन कर सकते हैं। यहाँ एक ही बनाएंगे, ज़्यादा स्टोन भाई हमें वेस्ट नहीं करना अभी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी स्टोन की। अभी हम बच्चे कुछ स्टोन को यहाँ पर रख देते हैं एंड अभी चलो वहाँ पर और माइन करते हैं अभी स्टोन, बैठ जाते एक बार के लिए एंड अभी माइन करते। तो गाइज अपना फर्स्ट आयरन अपने पास आ गया है तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वापस माइनिंग पर लग जाते हैं। अपना सवेल लेके अपने पास, ओके सवेल अपने पास नहीं है तो भी हम माइनिंग करेंगे। कुछ न्यू चीज़ आनी चाहिए अभी, ऐसे कोई ज़ॉम्बी, अबे ये ग्रेवल गिर रहा है भाई, ऐसे ग्रेवल आते हैं तब वो नीचे गिर जाते हैं। स्टोन तोड़ने के लिए अभी मैं इसकी पिकेक्स स्टोन के पिकेक्स का यूज करूँगा, अभी मुझे वुडन पिकेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने पास ये सारे ब्लॉक आ जाएगी जिससे हम अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बड़ा कर सकेंगे भाई। यहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा आयरन दो भाई हमको, आयरन तो आ भी नहीं रहा, ये क्या बात हो गई ज़्यादा, ये क्या एंड साइट है, हाँ इसका नाम कुछ एंड साइट है वो मिल रहा है हमें ज़्यादा। स्टोन दो भाई हमें, हाँ ऐसे स्टोन ज़्यादा एंड आयरन भी दे दो थोड़ा बहुत। ये फैंस आ गया तो इसे हम इससे तोड़ देते हैं। फैंस का क्या यूज है मुझे ये पता नहीं चल रहा है, मतलब वन ब्लॉक में फैंस आ रहा है तो भाई इसका यूज क्या है, यूज़ तो बताओ। ओके आयरन आ गया भाई तो हम आयरन को भी माइन कर देते हैं। ये हमारा सेकंड आयरन है वन ब्लॉक का, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि अपने पास आयरन आ गया। और गाइज ले लो अभी ये प्लैंक्स देखे तो प्लैंक्स से यूज का है भाई, अभी मेरे को एक वुड दे दो, इस वुड से मतलब वुड इस प्लैंक से तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ग्रेवल आ गया तो ग्रेवल तो अभी ऐसे ही तोड़ देते हैं एंड अपने पास सैपलिंग है तो मैं छोड़ यहाँ पर एक पेड़ उगा देता हूँ जिससे हमें और ज़्यादा सैपलिंग मिल जाएगा। अपने पास बोन मिल है क्या, चेस्ट के अंदर होगा देखते एक बार। ओके चेस्ट के अंदर हमें बोन मिल मिल गया, अभी इस पेड़ को हम ग्रो कर देते हैं, हो जा ग्रो हो गया। ओके ये बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है, इसको हम जल्दी से चॉप कर देते हैं जिससे हमें और ज़्यादा मिल जाएगी वुड। देखो एक सैपलिंग से हमें कितनी सारी वुड मिल गई, थोड़ा बहुत बोन मिल रहे वो वेस्ट हो गया, वेस्ट तो नहीं बोल सकते ऐसे तो अपना अच्छा ही लगा है लेकिन तो भी दुख होता है भाई, फ्री में एक तो पेड़ बड़ा होगा और एक बोन मिल मारने के बाद। बोन भी अपने सार बहुत सारे हो गए, दोनों को एक कर देते हैं एंड अभी वापस अपनी तूड़े पर लग जाते हैं, तोड़ते अभी थोड़ी देर के लिए। तो भाई जी एक और काऊ यहाँ पर स्पॉन हो गई है तो इतनी सारी काऊ का भाई मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ी सिप दो। अगर अपने पास 2 सिप आ जाए तो हम उसको गेहूँ खिला के एक और सिप बना सकते हैं, बना तो नहीं सकते लेकिन अभी इस काऊ को उसके अंदर ले जाते हैं। हाँ भाई तू ऐसे यहाँ पर फिरते और अपने पास थोड़े बहुत ही आगे ये क्या कहते हैं इसे डर्ट एंड, तो हम अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और सुबह भी होने वाली है, यहाँ से हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा कर देते हैं थोड़ा, तो ये लगा देते हैं ये जो स्लैब से यहाँ पर लग जा भाई, स्लैब लग जा एकदम कायदे से काम होना चाहिए भाई, ऐसे टूटा फूटा कौन करेगा, कायदे से काम हो तो फिर अच्छा लगेगा ना वन ब्लॉक, नहीं तो फिर कौन। और गाइस एक और बात, अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और भाई वीडियो को पूरा देखो गाइस, आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, वीडियो को पूरा देखना चाहिए भाई, ये बात याद रख लो तुम, वीडियो को पूरा देखो। हाँ अभी हम यहाँ पर इस डर्ट का भी लगा देते जिससे और ज़्यादा बड़ी प्लेटफॉर्म हो जाएगी और यहाँ पर हम 2 ट्री ग्रो कर सकते हैं। अरे हट जा काऊ, गिराना है क्या तुझे उस पिग की तरह, मेरे कितने सारे पिग गए भाई, पिग को तो बोलो मतलब इतने सारे एनिमल मेरे नीचे गए। और ये एंड साइड का यूज़ क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो अगर मैं इसके स्लैब्स मैं स्लैब्स किस किस के बना सकता हूँ, अगर इन स्टोन के मैं स्लैब्स बना सकता हूँ तो देखते एक बार क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पर है ये रही। ओके तो अब यहाँ से हम किस किस के स्लैब से बना सकते हैं, अबे ये क्या है, अगर हम इस पॉलिश एंड साइज बना सकते हैं। ओके अगर ये अपने पास है एंड साइज तो इससे हम पॉलिश एंड साइज बना सकते हैं।
और अगर दो स्टोन है एंड और दो ये है तो इससे क्या बनेगा, ये क्या एंड साइड, क्या घटिया बोल रहा है। और इससे हम ये क्या है इस एंड से स्लैब, तो हम इसके स्लैब्स बना देते हैं जल्दी से। एंड इसके स्लैब से वो हम वहाँ पर लगा देते, सबसे पहले तो सैपलिंग ले देते हैं एंड अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर वुड लग जाएगी। एंड अभी मैं यहाँ से तो लुक अपना ख़राब हो जाएगा, यहाँ से लगाएंगे हम ये एंड साइड वाला, इससे अपनी प्लेटफॉर्म भी बड़ी हो जाएगी, साथ में हमें एक अच्छा खासा एरिया भी मिल जाएगा यहाँ पर। अरे यार गलत लग गया, अभी इसे तोड़ना पड़ेगा, ओके टूट गया। एंड यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से नहीं लगाएगा अभी, हम यहाँ पर ही लगाएंगे जिससे अपना जो लुक है अपने वन ब्लॉक का वो ख़राब नहीं होगा, नहीं तो फिर जगह ख़राब हो जाएगी भाई, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी 3 स्लैब्स और अपने पास, तो उन्हें यहाँ पर लगा देते हैं। ओके ये एरिया और बड़ा हो गया। एंड बोन मील लाते हैं भाई, मैं अभी अपने पास से बोन मील रखने वाला हूँ, बार बार कौन लेने जाएगा। यहाँ से ट्री को ग्रो कर देते एक और यहाँ पर, एंड बोन मील मारो, हो गया ग्रो। अभी से जल्दी, अरे क्या मधुमक्खी का छत्ता आ गया, अबे यार मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से आ गया, ये न्यू दिक्कत आ गई है। अभी इसे अगर मैंने मारा तो फिर ये तो मेरे पीछे ही पड़ेगा, ये इसे तो मैं तोड़ सकता हूँ। तो ये हवा में कैसे लटक रहा है मधुमक्खी का छत्ता ऐसे, अगर मैंने इसे मार दिया तो फिर क्या होगा। अपने पास क्या फूल है, ओके अपने पास मुझे याद है पहली बार फूल आए तो थे, लेकिन वो अपने पास हुए तो मधुमक्खी शायद है वो बना सकते हैं। हाँ ओके अपने पास अभी फूल है तो हम इन्हें लगा देते हैं, और अपने पास कोई फूल तो नहीं है तो इन्हें अभी हम यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे मधुमक्खी इसके नीचे ही लगा देगी यहाँ पर। ओके ऐसे हो गए, देखो मधुमक्खी फूल आ गए। अभी यहाँ से शायद है हनी वो ले सकती है एंड इसे भर देगी, और जैसे ये भर जाएगा हम बोतल बनाएंगे ग्लास की एंड शायद ले लेंगे। मेरे पास कितना दिमाग है भाई, आप भी सोच रहे होगे इतना दिमाग वाला इंसान कहाँ से आ गया। यहाँ पर लगा देते, अबे यहाँ पर गलत जगह पर लग गई, तुझे ऊपर लगना था और ये यहाँ पर लग गई। नहीं तोड़ वापस इस चेस्ट को, टूट जा अभी। ओके और अभी हम इसे ऊपर लगाने वाले भाई, अब की बार ऊपर लगना, नीचे मत लग जाना। ओके लग गई, ये हो गया प्लेटफॉर्म बड़ा, और ये थोड़ी देर में टूट जाएगा। अभी अपने पास और कुछ है नहीं, अभी हम वापस अपनी इस माइनिंग पर लग जाते हैं। और डर्ट किधर है, सिक्योरिटी के लिए भाई डर्ट लगा रहे हो, आप सोच रहे हो ऐसे ऐसे बिना फालतू के डर्ट लगा रहे हैं भाई, डर्ट कहाँ गई, मैंने सारी डर्ट यहाँ पर लगा दी, चेस्ट के अंदर थोड़ी बहुत डर्ट हुई तो फिर तो अच्छा है, नहीं तो हाँ डर्ट भी नहीं है। लेकिन थोड़े से हम इस ब्लॉक को ले लेते हैं, ऐसे कहते दो ले लेते हैं, हम 5 ले लेते हैं ग्रास ब्लॉक को, एंड 55 अंदर रख देंगे। ये ग्रास ब्लॉक मैंने वेस्ट कर दिया, इसके अंदर भी अभी ग्रास उगने लग गई है, और इसे अभी हम तोड़ लेते हैं। एंड यहाँ से हमें तोड़ने लग जाते हैं ये स्टोन आ गया, जिसे तोड़ देता है। अभी हम थोड़ी देर और माइनिंग कर देते हैं। तो गाइस थोड़ी बहुत देर माइनिंग करने के बाद देख लो अभी यहाँ पर आ चुका है गोल्ड। तो गोल्ड का ऐसे तो यूज मुझे पता नहीं है, मतलब गोल्ड का क्या यूज है भाई, एक बार बता दो मुझे गोल्ड का यूज क्या है। क्योंकि गोल्ड का तो सिर्फ अब आर्मर बना सकते हैं, वो भी एक कच्चा स्वॉर्ड बनाएगा वो भी कच्चा, तो फिर इसका यूज क्या है। लेकिन एक बार के लिए गोल्ड भी आ गया तो अच्छी बात है। अरे रुको, अबे मैंने अगर गोल्ड को माइन करने के लिए, मेरे पास भाई कहाँ पर है, अपने पास आयरन तो सिर्फ 2 ही है, तो अपने पास 2 रॉ आयरन है एंड और तो अपने पास कुछ नहीं है, तो मैं भाई इसको माइन कैसे करूँ, ये तो आयरन पिकैक्स से माइन होगा, तो अभी गोल्ड वेस्ट होने वाला है गाइस। कि अभी मेरे पास नहीं है आयरन की पिकैक्स और मैं गोल्ड को माइन नहीं कर सकता, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, गोल्ड वेस्ट हो गया। अरे रे रे क्या दिक्कत की बात है, अभी मैं थोड़ी देर तक और माइनिंग पर लग जाता हूँ। तो गाइस थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद और हमें आ चुकी है एक और चेस्ट, तो अभी हम जल्दी से देखते हैं चेस्ट के अंदर है क्या कुछ खजाना। ये क्या, एरो और लेदर टूनिक, अबे इसे पहनने के बाद मेरा सिर्फ थोड़ा सा बोलो 1% ही होगा जो मेरा आयरन फुल हुआ है। और ये क्या दे दी मुझे एरो, अबे एरो का यूज तो बता देते, मेरे पास तो वो भी नहीं, मारू कैसे मैं एरो, फेंक के मारू क्या।
देखो 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 क्या क्या दे रहे हैं। और गाइस एक और आयरन अपने पास आ गया, तो इसी भी हम रख देते हैं अंदर, एंड वुड को भी रख देते हैं, और ये एंड साइड है ग्रेनाइट, सॉरी इसे भी रख देते हैं। ये न्यू आ गया अपने पास, और एक ट्री हम और ग्रो कर देते हैं यहाँ पर। सैपलिंग आ जा नीचे, हाँ सैपलिंग नीचे आ जा, तू भी आ जा ओके। और यहाँ पर अभी हम ग्रो कर देते हैं ट्री, थोड़ा सा हनी फुल भी नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर अभी ट्री ग्रो कर देते। और अब हो गया ट्री तो ग्रो, लेकिन अपनी जो एक्स थी वो टूट गई है, तो अभी हम एक और न्यू एक्स बना लेते हैं, स्टोन की बनाएंगे भाई। अभी हम थोड़े से अमीर हो गए हैं स्टोन के अंदर, तो अभी हम स्टोन की एक्स ही बनाएंगे। अभी तोड़ने लग जाए उसे, चॉप कर देते जल्दी से। मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मतलब देखो मैं तोड़ने के समय कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, नीचे ऊपर दोनों का तोड़ रहा हूँ। और गलती से भी अगर नीचे की प्लेटफॉर्म टूट गई तो मैं तो सीधा अंदर। और एक ग्रेवल कहाँ से आ गया, थोड़ी देर माइनिंग कर देते अभी हम। हे गाइस देखो यहाँ पर एक और चेस्ट आ गई है, और इसके अंदर से हमने, ओ भाई 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 इतने सारे ब्रेड, मैं तो पूरी तरह फुल हो जाऊँगा। और गाइस ये बहुत अच्छी बात होगी, अभी हमें मिल चुकी है आयरन पिकेक्स और ब्लास्ट फर्नेस। और ये लावा बकेट का मैं क्या करूँगा, अगर कोई ख़तरनाक मॉब आ गया हो, इसके अंदर से दिल क्यों निकल रहे भाई, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। और गाइस हाँ 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 अभी इस सामान को रख देते हैं अंदर। देखो फ्लिंट आ गया वो रख देते हैं, कोल रख देते हैं, एंड ये फेंसेज रख देते हैं, और चेस्ट रख देते हैं, चेस्ट का चेस्ट के अंदर ही रख रहा हूँ, और आयरन रख देते हैं। अपने पास ब्रेड इतने सारे हो गए, ये रख देते हैं, एंड और क्या रखें, लावा बकेट रख देते हैं, और ब्लास्ट फर्नेस को हम लगा देते हैं। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस से होगा क्या, हम कोई चीज़ स्माइल्ड कर सकते हैं ना, तो हम किस कहाँ पर रखें ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ पर रख देंगे तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर रख देते हैं। अभी इसके अंदर हम कुछ जैसे कि टॉर्च हमने बना ली है, आयरन इसमें कर देते हैं, आयरन अपने पास है तो हम इसके इंगिट बना देते हैं। अभी अपने पास आयरन की पिकैक्स तो हमें तो स्मोकर के अंदर खाना पकता होगा, और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये जल्दी स्मेल्ट होगा, एक बार देखते हैं कितनी टाइम में स्मेल्ट। और भाई कितना फास्ट हो रहा है, देखो देखो देखो, अरे रुक जा, एक तो हो गया, एक चारों को एक साथ में ले लेंगे, जल्दी स्मेल्ट हो जाएगी, तो भाई ज़्यादा टाइम तो लगाएगा नहीं। दूसरा भी हो गया, आज गाइस हमें अच्छा खासा आयरन मिल गया भाई, आयरन की पिकैक्स मिल गई, आयरन मिल गया, और लावा बकेट मिल गई, वाह 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 मज़ा आ गया। और ये तो भी बुझ जाएगा, ओके बुझ गया, थोड़ी देर और माइनिंग कर देते हैं। अरे गाइस ये क्या हो गया, अपने पास अभी स्पाइडर आ गई है, अपने यहाँ की सबसे पहली मॉब, तो भाई मैं तुझे मारने के लिए अभी कुछ करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया, मर जा अभी, दिखेगा तुझे, मर जा, ओके मर गई। तो गाइस मैंने वन ब्लॉक की सबसे पहली अपनी दुश्मन को मार दिया है, जो थे स्पाइडर, तो मुझे अभी पता चल गया अभी मॉब स्पॉन होने वाले, ये अपना फर्स्ट मॉब था जो स्पॉन हो गया है। तो अभी हम सबसे पहले तो अपनी प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अपने पास ये आ गया, इसका क्या नाम है भाई, जो भी है तू भी आ जाओ, तेरे स्लैब्स बना देता हो, एंड और किस किस के स्लैब्स बनने वाले, और इसके बन रहे तो इसके भी बने देते। और तो गाइस अभी अपने पास सीजर बन सकती है, तो सीजर बन सकती है, लेकिन अपने पास सिप नहीं है, खास बात है सिप, अगर अपने पास एक और सिप आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा भाई, सिप आ जाए एक और तो फिर मज़ा आएगा। अभी के लिए तो सिप नहीं, तो प्लेटफॉर्म को बड़ा कर देते हैं, यहाँ से बड़ा करेंगे, और यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर, एंड इसके दोनों साइड में लगा देते हैं, और यहाँ पर भी लगा देते हैं। अरे नीचे नहीं लगाना था, ओ लो वेस्ट, ये मैंने पहला अपना जो ब्लॉक है वो वेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नीचे नहीं लगाता तो भाई चलता, लेकिन तो भी मैंने नीचे लगाया, बेवकूफ़ गिरी तो फिर करनी पड़ती है ना, बिना बेवकूफ़ गिरी क्या होगा। और गाइस यहाँ पर मेरे पास एक बच चुका है, तो अभी मैं इसे वहाँ पर लगा देता हूँ, ओके यहाँ पर लगा देते, ये थोड़ा सा तो फिर करना ही पड़ेगा। और गाइस आज की वीडियो में इतना है, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, थैंक्स।